दोस्तों, अगर आपको भी स्किन टैग है, मस्से हैं या चिप्पी जिसे कहा जाता है, वो प्रॉब्लम है, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे जो आपको इस प्रॉब्लम से निजात ला सकते हैं। तो दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो अगर आप भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और आपका कॉन्फिडेंस लो होता जा रहा है और आपको बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, तो आज का मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। तो अच्छा, पर छोटे छोटे उभार को स्किन टैग या मस्सा कहते हैं। ये अक्सर शरीर के उन हिस्सों पर होता है जहाँ अधिक नमी हो जाती है। स्किन टैग गर्दन, ब्रेस्ट के नीचे, आंखों की पलकों और जन नांगों के आसपास ज्यादा होता है। स्किन टैग से व्यक्ति को कोई दर्द या परेशानी तो नहीं होती, लेकिन कपड़ों में से मस्से खिंच जाने की वजह से स्किन पर छोटा खून का थक्का बन जाता है और फिर वहाँ दर्द होने लगता है। हालांकि कई लोग इसे काट कर निकालने की सलाह भी देते हैं, लेकिन आप ऐसी सलाह को नजरअंदाज करें, क्योंकि ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। इससे कई तरह के संक्रमण और त्वचा पर हमेशा के लिए दाग पड़ सकता है। स्किन टैग हमून उम्र बढ़ने, त्वचा में रगड़, अनुवांशिक हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से होता है। सर्जरी या कोयो सर्जरी के जरिए भी आप इसे आसानी से हटा सकते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर आप घरेलू उपाय से इसे हटाना चाहते हैं तो आज का वीडियो जरूर फॉलो करें। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे एप्पल साइडर विनेगर के बारे में। स्किन टैग को दूर करने का सबसे अच्छा और घरेलू नुस्खा है। इसमें अधिक मात्रा में एसिड होता है जो त्वचा पर अतिरिक्त कोशिकाओं को तोड़ देता है और स्किन टैग अपने आप दूर हो जाता है। अब जानते हैं इसका इस्तेमाल कैसे करना है। स्किन टैग के आसपास के क्षेत्र को धोकर अच्छे तरीके से पोंछ लें। सेब साइडर विनेगर में रुई भिगोएं और इसे स्किन टैग पर लगा दें। इसमें कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ दें, फिर गर्म पानी से धो लें। इस प्रक्रिया को आप एक दिन में 3 से 4 बार दोहराएं, जब तक कि स्किन टैग का रंग काला होकर गिर न जाए। यदि आपकी त्वचा बहुत ज्यादा सेंसिटिव है तो आप एप्पल साइडर विनेगर में थोड़ा सा पानी भी मिला सकते हैं। और अगर यही स्किन टैग आपके आंखों के पलकों के नीचे है तो उसमें पानी का इस्तेमाल जरूर करें और बहुत सावधानी से उसको लगाएं। अब बात कर लेते हैं इसमें हमारे नेक्स्ट टिप की, जिसमें हम इस्तेमाल करने वाले हैं लहसुन का। आप चाहें तो लहसुन के इस्तेमाल से भी टैग से छुटकारा पा सकते हैं। लहसुन में एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं और ये पुराने समय में स्किन टैग को दूर करने के लिए उपयोगी है। लहसुन की एक कली लें, उसे क्रश कर लें, रुई को लहसुन के रस में भिगोएं और स्किन टैग पर लगाकर पट्टी बांधकर रात भर के लिए छोड़ दें और सुबह इसे गुनगुने पानी से धो लें। ऐसा आपको हफ्ते में 2 से 3 बार करना है। आप कुछ ही दिनों में नोटिस करेंगे कि आपका स्किन टैग जड़ से खत्म हो चुका है और वो आसानी से झड़ जाएगा। टिप नंबर 3, जिसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे बेकिंग सोडे का। 1 चम्मच बेकिंग सोडा में कुछ बूंदे कैस्टर ऑयल की मिलाएं। इसे मिक्स करके मस्से पर लगाकर मसाज करें। 1-2 घंटे तक लगा रहने दें, उसके बाद उसको धो लें। आपको ऐसा हफ्ते में 3 से 4 बार करना है और एक दिन में आपको उसको 2 बार रिपीट करना है। आप इससे खुद नोटिस करेंगे कि आपका मस्सा धीरे धीरे सूख कर बिल्कुल झड़ चुका है। तो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो काफी हेल्पफुल लगा होगा। आप इसको जरूर ट्राई करिएगा और ऐसे ही अगर आपकी कोई बेसिक प्रॉब्लम्स है तो मुझसे शेयर करते रहें, मैं उनका सलूशन लेकर उस पर वीडियो लाती रहूंगी। और आज का जो मेरा वीडियो है, जिनके कहने पर मैंने बनाया है, उनका नाम है सयान राज जी। तो थैंक यू सयान जी आपका सजेशन देने के लिए। तो आपके कहने पर मैंने ये वीडियो बनाया, तो सबको करिएगा जमकर शेयर। और आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, मेरे चैनल पर नए हैं, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।